भर्ती खबर जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुमित कुमार ने की थाना के पुलिस पदाधिकारी के संग बैठक, दिया गया दिशा निर्देश। जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में डीएसपी सुमित कुमार की अध्यक्षता में जयनगर थाना पुलिस पदाधिकारी के साथ एक बैठक आयोजित कर दिए कई दिशा निर्देश। डीएसपी ने उपस्थित पुलिस पदाधिकारी को शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने, लंबित मामलों का निष्पादन शीघ्र करने की बात कही। बैठक में थाना इंस्पेक्टर अजय कुमार, SI प्रदीप कुमार, अजीत कुमार व सुरेंद्र यादव समेत अन्य मौजूद थे। किया जा रहा है ताकि डिस्पोजल को बढ़ाया जा सके, और उसमें रिव्यू करने से बहुत सारे केसेस में पता चलता है कि आईओ लोग क्या त्रुटि कर रहे हैं या फिर कहाँ अनुसंधान में क्या रुकावट आ रही है, उसको लोग रिव्यू करके उनको थोड़ा गाइडलाइन देते हैं, उससे वो केस में स्फूर्ति निकलता है। अनुमंडल स्तरीय ग्राम रक्षा दलों की बैठक, कई मांगों को लेकर एक शिष्ट मंडल ने किया DSP से भेंट। विभिन्न मांगों को लेकर जयनगर अनुमंडल स्तरीय ग्राम रक्षा दल की बैठक खरगा पुरवारी में संजय कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सरकार द्वारा मानदेय का भुगतान, वर्दी एवं आय कार्ड दिए जाने को लेकर प्रखंड प्रमुख सचिन सिंह व जयनगर नागरिक मंच के संयोजक राम प्रताप राउत के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल DSP से भेंट किया एवं विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। लोगों का आज बैठक हो रही है खरगा फुलवाड़ी के प्रांगण में। हम यहाँ से इस बैठक के माध्यम से जो है बिहार सरकार और बिहार सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि हमारे जो ग्राम रक्षा दल के जो कार्यकर्ता 11 बजे रात्रि से लेकर के और 3 बजे सुबह तक जो अपने अपने गांव का जो रक्षा करते हैं, तो उनको निश्चित तौर पर सरकार का जो नियमावली है उनके तहत जो है ना मानदेय का जो है ना हम लोग मांग करते हैं, और खास करके जो है ना उनका जो है ना वर्दी का भी डिमांड करते हैं, और जो भी समस्या है उनके और भी जो है ना ध्यान जो है ना हम आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए जो है ना हम बड़े पदाधिकारी से भी जो है ना हम लोग मिल करके जो है ना ज्ञापन सौंपेंगे। अभी हम लोगों का जो है ना मीटिंग चल रही है, जो भी निर्णय होगा उस निर्णय से हम लोग जो है ना बड़े पदाधिकारी को जो है ना अवगत कराएंगे। देखो ये है, इसमें हम लोग ग्राम रक्षा दल की जो विभिन्न समस्याएं हैं इनको लेकर हम लोग सरकार के पास जाएंगे, और हमारे जितने भी वरिष्ठ उच्च पदाधिकारी है उनके पास हम लोगों ने इससे पहले भी ज्ञापन सौंपा है, और फिर हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, और उस रिक्वेस्ट में हमारा जो डिमांड होगा वह डिमांड होगा ID कार्ड के लिए। जो बगैर ID कार्ड का हमारा ग्राम रक्षा दल रात के 11:30 बजे या 11 बजे से लेकर 3 बजे तक काम करते हैं, और ना उसके पास किसी तरह का सुरक्षा के से संबंधित न लाठी होता है, न टॉर्च होता है, न उनके पास वर्दी होती है। रात को क्रिमिनलों के द्वारा जो है उनको धमकी दिया जाता है कि उनको गोली मार देंगे या ये करेंगे, बहुत सारी धमकियाँ मिलती है। उस हर बातों को जो है सो ध्यान में रखते हुए मैं अपने उच्च पदाधिकारी या वो हमारे DM साहब हों या हमारे SP साहब हों, इस मैटर को आगे सरकार तक पहुंचाएं ताकि हमारा ग्राम रक्षा दल रात्रि गश्ती के दौरान सुरक्षित रहे। जो बैठक हुई है उसमें इन्होंने जो समस्या हमारे समक्ष रखी है, हमारी पूरी कोशिश रहे कि इनकी जो मांगे हैं वो इन पदाधिकारियों द्वारा या बिहार सरकार द्वारा पूरा हो। वहाँ मैं जाऊँगा, इन लोगों के लिए बात करूँगा ताकि इनकी जो मांगे हैं पूरी हो सके।